देखो इसकी हालत कैसी है, पूरी मिट्टी बन गई है इसमें, इसमें पूरी मिट्टी है। और इसका जो है ऑयल चेंज करना पड़ेगा। ऑयल चेंज करने से पहले ये पूरा खोल के और इसको अच्छे से धोना पड़ेगा, नहीं तो जितना ऑयल अभी नया डालेंगे ना पूरा फिर से काला ही हो जाएगा और मिट्टी बन जाएगा। तो इसको जो है निकाल के साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये चिड़ियों को खोलना पड़ेगा, ये पूरा इसको खोलना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं रगड़ रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं रगड़ रहा हूँ वहाँ से ही मिट्टी निकल रहा है, पूरा गाढ़ा हो चुका। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जल्दी इसका ऑयल सर्विस कभी हुआ है, मुझे लगता है टपअप करके ही काम चलाया गया है इसका, क्योंकि इसकी हालत बहुत पस्त हो चुकी है। देख सकते हैं आप कैसी हालत है, ये है कैसी मिट्टी है। तो इसका जो है ये खोलना पड़ेगा, ऊपर का चिड़िया ये खोलना पड़ेगा और इसका जो है इसको पूरा धो धा के साफ़ सफाई करके फिर ऑयल चेंज करना पड़ेगा। इसको लिक्विड डाल के थोड़ा इंजन को चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो गंदगी कचरा रहेगा ना उसको साफ़ होना चाहिए। तो बस बता दे रहा हूँ कि इसको जो है वो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले इसको ऑयल डाल के, इसको ऑयल निकाल के ऑयल डालना ज़रूरी नहीं है, इसका पैकिंग भी डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसकी पैकिंग की वजह से खोला गया था, लेकिन ये पैकिंग ही डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। पैकिंग डाल तो देंगे लेकिन इसकी गंदगी इसके अंदर पड़ा रहेगा, फिर आगे चल के क्या होएगा, जो अंदर की ऑयल की पंप है जो, वो जाम हो जाएगा, उसका फिल्टर जाम हो जाएगा और इंजन जो कुछ चल रहा है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल बदली करना पड़ेगा और बदली करने से पहले इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है।